गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अतुल राजस्थान ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की थी वो की थी लैक्ट, दूध के बारे में। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं द टर्मिनोलॉजी पास्चुराइजेशन। और पास्चुराइजेशन का हिंदी में हम लोग मतलब बोलते हैं पास्चुरीकरण। अभी पाश्चुरीकरण क्या है, तो पाश्चुरीकरण का मतलब क्या है इसके बारे में समझने से पहले हम कुछ और बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, ये पाश्चुरीकरण किसने दिया, पाश्चुरीकरण के बारे में बताया किसने था। तो साइंटिस्ट था लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की। तो पाश्चुरीकरण की खोज का श्रेय जाता है किसको, लुईस पाश्चर को। फिर पाश्चर का नाम आता है तो एक क्वेश्चन और आता है कि पाश्चर ने एक टीका और खोजा था, कौन सा टीका, रेबीज का टीका। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुईस पाश्चर ने की। वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज, रेबीज का वैक्सीनेशन भी किसने खोजा, पाश्चर ने। तो यहां पर एक जो डाउटफुल क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि रेबीज किससे होने वाला रोग है। बहुत बार ऑप्शन में दिया जाता है कुत्ते से होने वाला, भेड़िए से होने वाला, बंदर से होने वाला। तो कुत्ते से या बंदर से इनसे रेबीज होता नहीं है, इनसे रेबीज फैलता है। जब भी हम लोग डिजीज पढ़ेंगे हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। एक तो होता है क्या, पैथोजन, रोग कारक, कि उस रोग को कौन कर रहा है, करने वाला कौन है, कारक कौन है। और दूसरा होता है वेक्टर, वाहक कौन है। रेबीज का जो हम लोग कुत्ता बोलते हैं तो कुत्ता उसका वेक्टर है, वाहक है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी, इवन ये जितने भी जानवर हैं ये सब इसके वाहक होते हैं। इसको करने वाला तो होता है रेबडो वायरस, दैट मीन्स रेबीज एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाला रोग है। हाँ, इनके वाहक कुत्ता, बिल्ली, बंदर, भेड़िया, लोमड़ी है जो हम लोग पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रेबीज किससे होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है, कुत्ते से होने वाला नहीं, कुत्ते से तो फैलता है, कुत्ता इसका वाहक है, कैरियर है। नेक्स्ट, पाश्चर ने एक बात और बताई थी, पाश्चर ने बताया था जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जिसको कहते हैं रोगों का रोगाणु सिद्धांत। तो रोगों का रोगाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो रोगों का रोगाणु सिद्धांत भी पाश्चर ने दिया। तो ये कुछ बातें हो गई जो पाश्चर के बारे में हमने ध्यान रखनी है, कि पाश्चुरीकरण की खोज भी लुईस पाश्चर ने की थी, रेबीज का टीका, वैक्सीनेशन ऑफ रेबीज भी लुईस पाश्चर ने दिया। और पाश्चर ने एक थ्योरी और बताई थी कि रोगों का कारण कौन होता है, रोगों का कारण होते हैं उनके रोगाणु, डिजीज के कारण उनके जर्म्स हैं, इसलिए इसको कहा गया जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रोगों का रोगाणु सिद्धांत। तो ये तो कुछ बातें हुई किसके बारे में, पाश्चर के बारे में। अब बात आती है कि सर ये पाश्चुरीकरण क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाश्चुराइजेशन। तो पाश्चुरीकरण का मतलब क्या है, तो हमने ये पाश्चुरीकरण वर्ड कहाँ देखा है, हमने देखा होगा अक्सर इसको दूध की थैलियों पे, उसके ऊपर लिखा रहता है आपके सामने कि पाश्चुराइज्ड मिल्क। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये पाश्चुरीकृत दूध का मतलब है क्या। तो एग्जैक्टली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सर दूध के अंदर एक बैक्टीरिया है, दूध के अंदर बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। और दूध के अंदर जो ये लैक्टोबैसिलस है ये दूध को किस में बदल रहा है, ये दूध को बदल रहा है दही में, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हम लोग कहते हैं कि जब भी ये लैक्टोबैसिलस इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा तो ये दूध को कन्वर्ट करेगा दही के अंदर, यानी दूध को खराब करने की, उसको फाड़ने की कोशिश करेगा, तो दूध हमारा दही में कन्वर्ट होने लगेगा। पर हम चाहते हैं कि हमारा दूध जो है वो एज इट इज़ रहे, खराब ना हो, तो हम क्या चाहते हैं, ये लैक्टोबैसिलस वर्क ना करें। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा दूध दही में कन्वर्ट नहीं होएगा, खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं। तो हम चाहते हैं यार दूध एज इट इज़ पड़ा रहे कई देर तक, कई घंटों तक खराब ना हो। तो उसके लिए हमारा मेन जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि इस लैक्टोबैसिलस को प्रोसेस करने से कैसे रोका जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म कर देते हैं। और जब दूध को गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली बात है दूध को गर्म करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है ये इनएक्टिव हो जाता है, और इनएक्टिव हो जाता है तो अपनी प्रोसेस को बंद कर देता है, तो आपका दूध खराब नहीं होगा। तो ये जो दूध को गर्म करना और बैक्टीरिया लेस करना है, जीवाणु रहित करना,
इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया? पाश्चुरीकरण। तो पाश्चर ने क्या किया था, दूध को गर्म किया था, दूध को अराउंड 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया था। किसको? दूध को बॉईल किया लगभग कितने टाइम के लिए? 30 मिनट के लिए। तो दूध को लगभग 62 डिग्री के आसपास गर्म किया उसने, क्या करने के लिए? 30 मिनट के लिए, ताकि वो बैक्टीरिया लेस हो जाए, जीवाणु रहित हो जाए। इस प्रोसेस को पाश्चर के नाम पर क्या कहा? पाश्चुराइजेशन। तो पाश्चुरीकरण कुछ भी नहीं है, दूध को गर्म करना कितने डिग्री पे? 62 डिग्री पे 30 मिनट के लिए, और फिर उसको वापस क्या करना? ठंडा करना। ये तो किया था किसने? पाश्चर ने। आजकल इसको 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और टाइमिंग लगभग 15 से 20 सेकंड तक रखी जाती है। क्लियर? तो ये था पाश्चुराइजेशन, दूध को गर्म करना और उसको जीवाणु रहित करना, इसको हम लोग पाश्चुराइजेशन कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्मोलॉजी आप लोग को जो और पढ़ने को मिलेगी वो मिलेगी फर्मेंटेशन। तो नेक्स्ट टर्मोलॉजी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। अब ये फर्मेंटेशन या किण्वन क्या चीज है? फर्मेंटेशन या किण्वन ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्मेंटेशन? तो देखिए, फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? किण्वन को आप जनरल लैंग्वेज में समझने के लिए समझ सकते हैं सड़ना, किसी चीज का सड़ना। पर फर्मेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि हर सड़ी हुई चीज खराब होती है। फर्मेंटेशन के कुछ प्रोडक्ट्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, जैसे दही। दूध का दही में बदलना भी एक फर्मेंटेशन यानी किण्वन का उदाहरण है। लेकिन दूध हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक सोर्स होता है, प्रोटीन का भी एक अच्छा सोर्स होता है, प्रीबायोटिक भी कह सकते हैं हम इसको। तो जरूरी नहीं है हमेशा जो फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हों वो खराब ही हों। ठीक है, सड़ना हम लोग जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, साइंस में इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है फर्मेंटेशन या किण्वन। तो इसका मीनिंग है क्या, तो मतलब समझिए इसका क्या होता है। तो फर्मेंटेशन में होता यह है कि एक कार्बनिक पदार्थ, जिसको आप कह सकते हो वन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक कार्बनिक पदार्थ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अन्य कार्बनिक पदार्थ में। तो एक कार्बनिक पदार्थ अन्य कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, यानी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो पदार्थ बदल रहा है वो मे बी शुगर यानी शर्करा हो सकती है, और जिसके अंदर वो कन्वर्ट होगा वो क्या हो सकता है? आइदर एसिड हो सकता है और एल्कोहल हो सकता है। यानी एक कार्बनिक पदार्थ जो शुगर है वो अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे एसिड या एल्कोहल में बदल जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अपने आप तो ये प्रोसेस हो नहीं रहोगी, कुछ ना कुछ इसके अंदर फैक्टर कार्य कर रहा होगा। तो इसमें क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की क्या रहती है इसमें? उपस्थिति रहती है। यानी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, यही इस सब्सटेंस को इस दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। अब इसके अंदर कुछ बातें और भी हैं। इस प्रोसेस में सामान्यतः O2 क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। और कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। तो बहुत बार आपको यह भी पूछा जाता है कि फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप बोलोगे सर CO2 गैस निकलती है। अब इस CO2 का यूज कैसे होता है देखो, तो आप लोग कहते हैं क्वेश्चन यहां से क्या आता है, CO2 सर नेचर में कैसी है, CO2 की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्यान रखना, CO2 की नेचर होती है एसिडिक, और एसिडिक को हिंदी में बोलते हैं अम्लीय। और आपको पता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, सौर होते हैं। तो ये भी खूब बार पूछा जाता है कि बताइए CO2 की नेचर, CO2 की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है? तो आप बोलेंगे CO2 एसिडिक नेचर की होती है और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो आपको खट्टी खट्टी सी स्मेल देती है। तो ये तो हुआ ओवरऑल फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का मतलब आपको क्या समझ में आया कि फर्मेंटेशन या किण्वन में
एक कार्बनिक पदार्थ जो शुगर हो सकता है वो किस में बदलेगा, अन्य कार्बनिक पदार्थ में बदलता है, जैसे कि एसिड या अल्कोहल में। और यह प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव होता है जो इसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस में CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और CO2 का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होने की वजह से खट्टी सी स्मेल आती है। तो जनरली आप नोटिस करना, जितने भी फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट होते हैं, किण्वन के उत्पाद होते हैं, वो सामान्यतः कैसे होते हैं, खट्टे से होते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, मैं जब तक आपको एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कराता हूँ। तो ये जो है ये फर्मेंटेशन है। अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल को समझने के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल दूध का दही में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो देखिए, अगर हम लोग फर्मेंटेशन की या किण्वन के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो बहुत बार एग्जाम में आया है, दूध का दही में परिवर्तन, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर दूध का दही में बदलना कौन सी प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे किण्वन। हम समझने की कोशिश करें सर कैसे, तो मुझे ये बताइए, आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि दूध के अंदर क्या शुगर है, तो आप बोलेंगे सर है, बिल्कुल है। कौन सी है, लैक्टोज शुगर पढ़ाई थी आपको। जब दूध दही में बदलता है तो दही में क्या एसिड होता है या अल्कोहल होता है, तो आप बोलेंगे सर एसिड है, और नाम भी हमें पता है दही में कौन सा एसिड है, दही में लैक्टिक एसिड है। तो जब दूध दही में बदलता है, दैट मीन्स लैक्टोज कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड, लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो रही है। क्या वहां पे सूक्ष्म जीव है कोई, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल है, अभी हमने पढ़ा है कि सर लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है जो इस दूध को दही में बदलने का फंक्शन करता है। क्लियर। फिर हम लोग कहते हैं सर CO2 क्या निकल रही है, बिल्कुल निकल रही है, और इस CO2 की वजह से दही में आपको कैसी स्मेल आ रही है, खट्टी सी स्मेल आ रही है। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, फर्मेंटेशन का। इसलिए हम लोग कहते हैं दूध का दही में बदलना एक किण्वन का उदाहरण है। क्लियर। और डिस्कस करते हैं, जैसे आपको पूछे कि अंगूर से शराब या एल्कोहल का बनना, आपने देखो वो पुराने टाइम में भी शराब बनाई जाती थी, आजकल भी बनाते हैं, तो क्या करते हैं अंगूर को एक बैरल में एक ड्रम में भर के जमीन में डाल देते हैं, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, सड़ती है वो, अच्छे से पड़ी रहती है काफ़ी लंबे समय तक, तो उसके अंदर क्या होती है, बदबू आने लग जाती है, फर्मेंटेशन होता है, किण्वन होता है, और एल्कोहल का निर्माण होता है। यही प्रोसेस होती है बियर की या शराब या एल्कोहल बनाने की, इनको सड़ाया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, अंगूर में शुगर है, शराब बनेगी तो उसमें अल्कोहल होगा, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फर्मेंटेशन, सड़ा करके बनाया जाता है। तीसरा, अच्छा इसलिए तो हम लोग एक बात कहते हैं, मैंने आपको बताया था, आपको एक अंदर की बात बताऊंगा, जो जो भी टॉपिक आएगा उससे रिलेटेड। आपने देखो को पुराने लोग कहते हैं कि, या फिर जो पुरानी शराब होती है उसके बारे में एक बात कही जाती है कि शराब जितनी भी पुरानी हो उतना ही ज़्यादा मज़ा देती है। क्यों, उसके पीछे कारण ये है, फर्मेंटेशन, किण्वन। जितना अच्छे से फर्मेंटेशन या किण्वन होगा उसका टेस्ट उतना ही अधिक अच्छा होगा। तभी तो आप लोग कहते हो, जब आप पनीर बनाते हो, ब्रेड बनाते हो, जलेबी बनाते हो, खमन बनाते हो, इडली बनाते हो, तो इन सभी के पेस्ट को हम लोग रखते हैं एक दो दिन तक, ताकि वो अच्छे से सड़ सके, फर्मेंटेशन हो सके, उसमें से CO2 आसानी से निकल सके। और इवन CO2 गैस निकलती है तभी तो उनके ऊपर जालिया सी स्ट्रक्चर बन जाती है, उनके ऊपर डॉटेड स्ट्रक्चर बन जाती है, पोर्स बन जाते हैं, ताकि CO2 निकलती है वहां से, और वो उतनी ही सॉफ्ट बनती है। तो फर्मेंटेशन जितना होगा, किण्वन जितना होगा, प्रोडक्ट उतना ही अच्छा बनेगा। इसके अलावा पनीर या ब्रेड का निर्माण, तो ये भी फर्मेंटेशन या किण्वन से ही बनते हैं। देखिए, इनको भी आपको सूंघने पे खट्टी स्मेल मिलेगी, इडली डोसा इन सब में भी आपके पेस्ट में खट्टी स्मेल आएगी, सभी के पीछे कारण है ये फर्मेंटेशन। चौथा, गोबर गैस का बनना सिंथेसिस ऑफ बायोगैस। अब गोबर गैस का बनना क्यों सर, तो ऑब्वियसली बात है, गोबर को भी तो हम सड़ाते हैं गोबर गैस बनाने के लिए, तभी तो जाके उसके अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है, और वहां पे क्या बनती है, गोबर गैस। और आगे पढ़ेंगे भी सही, हम जब आगे पढ़ेंगे कि गोबर गैस में सर मुख्य घटक कौन कौन से हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस,
तो गोबर गैस में मेन कंपोनेंट, मुख्य घटक होता है एक तो मिथेन, और ऑब्वियस सी बात है ये फर्मेंटेशन से बन रहा है तो कौन सी गैस निकलेगी वहाँ, CO2 गैस निकलेगी। तो मिथेन प्लस CO2 ये गोबर गैस के मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज मिथेन एंड CO2, क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें क्लियर है जो अभी हमने डिस्कस किए कि सर फर्मेंटेशन क्या है। तो फर्मेंटेशन हम कह रहे हैं एक कार्बनिक पदार्थ का दूसरे कार्बनिक पदार्थ में बदलना है विद हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें CO2 गैस रिलीज हो रही है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो दूध का दही में बदलना, अंगूर से शराब या अल्कोहल का बनना, पनीर या ब्रेड का बनना, गोबर गैस का बनना। मेन बायोगैस कौन कौन सी है, मिथेन है सर और CO2 है। ये सारी बातें हम लोग करते हैं फर्मेंटेशन के अंदर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग डिस्कस करते हैं, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमने पढ़ी है इसके बारे में। फिर एक टर्मिनोलॉजी और डिस्कस करते हैं, साइंस में जब भी वर्ड आता है टी आर आई सी एच ओ ट्राइको, तो ट्राइको का मीनिंग होता है हेयर, बाल। तो साइंस में जब भी बाल आता है उसका मतलब होता है ट्राइको। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आपसे ये पूछे कि स्टडी ऑफ हेयर क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ हेयर कहलाता है ट्राइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ हेयर यानी बालों का अध्ययन कहलाता है ट्राइकोलॉजी, और अगर कोई इसका स्पेशलिस्ट है तो उसको हम लोग ट्राइकोलॉजिस्ट कह देते हैं, क्लियर। फिर नेक्स्ट हम लोग बात और करते हैं कि अगर आपसे ये पूछा जाए साइंस में कभी भी आए टर्मिनोलॉजी EXO, एक्सो, तो एक्सो का मतलब क्या होता है, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंडो, कि एक्सो और एंडो का मतलब क्या है। तो साइंस में जब जब भी आए एक्सो वर्ड, एक्सो का मतलब आपको समझना है आउटसाइड, बाहर, और साइंस में जब जब भी एंडो वर्ड आता है उसका मतलब आपको समझना है इनसाइड, यानी कहीं बाहर की बात हो रही है या कहीं अंदर की बात हो रही है, इनसाइट की। तभी तो हम लोग इसको साइंस में भी यूज करते हैं और डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। साइंस में पहले यूज बताते हैं कि साइंस में देखो आप इसको कहां यूज करते हो, तो मुझे एक बात का जवाब दो। आपको एक टर्मिनोलॉजी पढ़ाई थी मैंने बायो, बायो का मीनिंग क्या बताया था, बायो का मीनिंग बताया था लिविंग या जीव, और लॉजी का मीनिंग क्या बताया था, लॉजी का मीनिंग बताया था क्या, स्टडी, अध्ययन। तो अगर मैं पूछूं बायोलॉजी क्या है तो आपको बहुत अच्छे से पता है जीवों का अध्ययन, क्लियर। अब इतना इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है, वो क्वेश्चन को कैसे घुमाता है कि सर ये है पृथ्वी और हम लोग अब अध्ययन कर रहे हैं जीवों का पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी पर जीवों का अध्ययन ये तो हो गया बायोलॉजी, लेकिन हम लोग अगर अर्थ से बाहर जाते हैं किसी और प्लेनेट की बात करते हैं, तो जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं मार्स यानी मंगल पर जीवन का अध्ययन चल रहा है, तो अगर हम लोग मंगल पर जीवों का या जीवन का अध्ययन करें तो इसे क्या कहेंगे या किस ब्रांच के तहत हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो हमने ये कहा कि पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन का अध्ययन, तो जीवन का अध्ययन इसके लिए तो वर्ड क्या है, बायोलॉजी। तो जीवों का अध्ययन या जीवन का अध्ययन एक ही बात है, और पृथ्वी के बाहर, बाहर के लिए हमारे पास टर्मिनोलॉजी क्या है, एक्सो। तो साइंस में नाम के आगे क्या लगेगा, एक्सो बायोलॉजी। तो जब आप वर्ड यूज करते हैं एक्सो बायोलॉजी, तो इसका मीनिंग क्या होता है, पृथ्वी के बाहर अन्य ग्रहों पर जीवन का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइफ आउटसाइड दी अर्थ और एक्सेप्ट अर्थ। इसी को हम हिंदी में कहते हैं बही जीव विज्ञान। तो आप लोग एक्सो का यूज इस तरह से कर सकते हैं, और साइंस में बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है, एक्सोस्फियर, जब हम लोग वायुमंडल की पढ़ते पढ़ते हैं, जो आप लोग बोलते हैं कि व्हाट आर दी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है, तो हम लोग बात करते हैं सर शोभ मंडल है, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ है, अर्थ के सबसे पास में होता है शोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, उसके बाद में होता है समताप मंडल जिसको आप बोलते हो स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद होता है मध्यमंडल मिजोस्फियर, उसके बाद होता है आयन मंडल आयनोस्फियर, उसके बाद होता है बहिमंडल एक्सोस्फियर। तो इसको एक्सोस्फियर क्यों कहा,
कर्ण से में सबसे बाहर है, और बाहर के लिए आपको साइंस में वर्ड क्या यूज करना है? और भी यूज है, जैसे हम लोग साइंस में एक टर्मोलॉजी और डिस्कस करेंगे, थर्मो या थर्मिक या थर्मिया। अगर ऐसा कुछ वर्ड आता है आपके पास, थर्मो, थर्मिक या थर्मिया, तो इसका मीनिंग आपको साइंस में क्या समझना है? हीट या उष्मा या ताप, टेम्परेचर। इन सब के लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सर अगर उष्मा गति करे, उष्मा अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो, हीट अगर ट्रांसफ़र हो रही है, तो हीट के लिए आपके पास क्या है? थर्मो। और ट्रांसफ़र हो रही, गति कर रही है, गति मतलब डायनेमिक्स, तो आप लोग चैप्टर पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स, दैट मीन्स मोशन ऑफ हीट। मोशन ऑफ हीट यानी हीट कैसे मूवमेंट कर रही है, हीट कैसे गति कर रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग बोलते सर हीट या शरीर का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कौन नापता है? तो आप बोलोगे कौन सा मीटर? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एग्जैक्टली वो थर्मोमीटर, इसको हम थर्मामीटर बोलते हैं, जो शरीर का ताप नापता है। और जैसे हम बोलें कि जो टेम्परेचर है उसके लिए हमने थर्मो, थर्मिक या थर्मिया वर्ड यूज किया। अब हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि सर एक्सो से हम इसको रिलेट कैसे करें। तो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, उष्मा बाहर निकलती है। तो बाहर के लिए हमारे पास वर्ड क्या आ गया? हमारे पास बाहर के लिए वर्ड क्या है? एक्सो। और उष्मा बाहर जा रही है तो उष्मा के लिए वर्ड क्या हो गया? थर्मिक। नाम क्या बन गया? एक्सोथर्मिक। तो अगर आपको कोई पूछे एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आप सीधा सा बता सकते हैं सर एक्सो मतलब बाहर जा रही है, थर्मिक मतलब उष्मा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उष्मा बाहर जाती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे चाय बड़ी बड़ी ठंडी हो गई, ठंडी क्यों हो रही है? क्योंकि हीट को वो बाहर छोड़ रही है, हीट को रिलीज कर रही है। बर्फ बदलना यानी जो पानी है वो किस में बदल रहा है? बर्फ। तो पानी है और अगर क्या करेगा, हीट को बाहर निकालेगा तो पानी के पार्टिकल्स और पास पास आ जाएंगे, वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पानी का बर्फ में बदलना वो भी क्या है? एक्सोथर्मिक है। अगर इसका उल्टा करें कि कुछ ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा अंदर आती है, तो एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब होने के लिए, अंदर आने के लिए हमारे पास वर्ड क्या है? अंदर आने के लिए वर्ड है एंडो, और उष्मा आ रही है तो आगे लगा देंगे थर्मिक, नाम बन जाएगा एंडोथर्मिक। इसको बोलते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है वो उष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। लाइक जैसे आप पानी को गर्म कर रहे हो तो पानी क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट अंदर लेगा तभी तो वो किस में बदलेगा? वेपर में बदलेगा। तो जल का वाष्प में बदलना, तो वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उष्माशोषी अभिक्रिया है। तो ऐसी जहाँ जहाँ भी एंडो या एक्सो वर्ड आएगा उसका मीनिंग हम बोलते हैं एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड। जैसे आप लोग जनरल लैंग्वेज में भी यूज़ करते हो कि सर हमने देखा है कि किसी गेट के ऊपर लिखा हुआ ई एक्स और आगे लगा दिया हमने आई टी, क्या बन गया? एग्जिट। तो ऑब्वियस बात है, ये कहाँ का रास्ता है, अंदर आने का या बाहर जाने का? तो आप बोलेंगे सर बाहर जाने का रास्ता है, क्योंकि एक्सो बोल दे, एक्स बोल दे, इन सब का मीनिंग आपको आउटसाइड से लेना है, बाहर से लेना है। आप लोग कहते हैं कि सर पड़ोस में मेरे शर्मा जी जो हैं वो निपट गए, डेथ हो गई, आप इंग्लिश में क्या कहते हो? सर वो क्या हो गए? एक्सपायर हो गए। तो एक्सपायर मतलब मर के पृथ्वी के बाहर ही तो गए, तो इसलिए हमने एक्सपायर वर्ड यूज़ कर दिया। हम दवाई लेकर के आते हैं, मेडिसिन लेके आते हैं, कोई भी खाने पीने की चीज़ लेके आते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, उस पर एक डेट डली रहती है और कहते हैं कि इस डेट के बाहर इसको यूज़ नहीं करना, और वो डेट क्या कहलाती है? इसलिए एक्सपायरी डेट कहलाती है। एक्सपायरी वो यही तो बता रही है कि सर इस डेट के बाहर इसको यूज़ नहीं करना। कोई व्यक्ति है सर्विस छोड़ के आ गया, आप क्या कहते हो? ये कौन सा सर्विस मैन है? आप बोलते हो सर एक्स सर्विस मैन है। और कॉमन